यमुनानगर में आज प्लाईबोर्ड फैक्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर की टीम द्वारा छापे मारे जाने के बाद फैक्ट्री मालिक और टीम के बीच जमकर विवाद हुआ। वहीं दूसरी तरफ इन फैक्ट्रियों में काम करने वाली सैकड़ों की तादाद में लेबर ने हाईवे को जाम कर दिया, जिससे रोज सफर करने वाले हजारों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि केंद्र सरकार की फर्टिलाइजर की टीम की रेड से प्लाईवुड व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अलग अलग टीमों ने यहां पर रेड की, जिसके विरोध में श्रमिक सड़कों पर उतर आए। व्यापारियों ने विरोध जताते हुए अपनी इकाई बंद कर दी। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पहले ही व्यापार मंदी के दौर में गुजर रहा है, ऐसे में जीएसटी की रेड से कारोबार पर असर पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने काम बंद कर दिया है। वहीं उन्होंने इस रेड का विरोध भी किया। सर, हमारी फैक्ट्रियां बंद है, लेबर कहाँ जाएगी? सड़कों पे ही आएगी लेबर। कारण क्या फैक्ट्री बंद है? फर्टिलाइजर वाले आए हुए और वो फैक्ट्रियों में कह रहे भाई आधे घंटे के अंदर हमें सारा रिपोर्ट चाहिए। आधे घंटे में रिपोर्ट तो पॉसिबल है नहीं, इस वजह से बंद किया हुआ है। सर, यहाँ पे तो 10 फैक्ट्रियों की लेबर है, बाकी और लेबर आ रही है। जब तक हमारी फैक्ट्री चालू नहीं होती सड़क पे ही रहेंगे। अचानक हुई रेड के बाद यमुनानगर की प्लाई बोर्ड फैक्ट्री मालिकों ने अपनी लेबर को सड़क पर उतार दिया, जिन्होंने रोड पर जाम कर राहगीरों से विवाद करना शुरू कर दिया। लगभग 3 घंटे तक लेबर ने सड़क को जाम रखा। एक तरफ सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग पर जाम रहा, वहीं दूसरी तरफ जगाधरी में भी लेबर ने जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने जैसे तैसे जाम को खुलवा दिया, लेकिन इस बीच टीम और फैक्ट्री मालिकों के बीच जमकर विवाद हुआ। आखिरकार टीम को एक कमरे में जाकर ही इस बात को सुलझाना पड़ा, लेकिन इस पूरे मामले में अधिकारी बिल्कुल चुप रहे और मीडिया के बात करने पर एक ही जवाब बार बार मिला और वो था नो कमेंट। आप कुछ भी पूछते रहिए, हमारा जवाब रहेगा नो कमेंट। यूरिया आप लोगों ने बिल पे खरीद रखा है, ठीक है, उसके अंदर चूरा है, नीम ऑयल है, एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया है, ये आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं है। ये जिम्मेवारी उसकी है जिसने आपको बिल दे के दे रखा है, और उसी चीज की टेस्टिंग हो रही है। इसमें आप लोगों के ऊपर कोई बात नहीं। इस पूरे विवाद में व्यापारियों ने साफ किया कि जिस प्रकार टीम 3 साल के बिल उन्हें 1 घंटे में सौंपने की मांग कर रही है, जिसके चलते ये विवाद शुरू हुआ है। हालांकि घंटों विवाद होने के बाद आखिरकार प्रशासन द्वारा सड़कों पर डटे श्रमिकों को हटाया और जाम खुलवाया। वहीं अब देखना ये होगा कि इस विवाद के बाद अब इस मामले में केंद्र सरकार की फर्टिलाइजर टीम क्या कुछ कार्रवाई करती है और प्लाईबोर्ड फैक्ट्रियों में काम करने वाले इन श्रमिकों का ये विरोध कब खत्म होता है। पंजाब केसीटीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट। Thank you.